वेट कर रहे हैं फ्लैश के लिए, उसके बाद पनिश कर रहे हैं उनको। और क्या सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, पूरा बहुत ही बढ़िया। ओके गॉड पे जाएंगे। क्या ये लकी क्लो का पिक विल वर्क फॉर आरटीजी? डेफिनेटली अभी इट हैज टोटली वर्क। नाइस ब्लॉक एंड लॉन्च होंगे यहां पे, फुल कॉम्बो खाएंगे लकी क्लो का। और ये सीजन 3 का नया मूव लकी क्लो के पास, स्ट्रॉन्ग मिक्सअप है, या तो रनिंग 3 आएगा या तो रनिंग 1 3 + 4 आएगा। एंड यहां पे बेट करके खत्म हो जाएगा क्योंकि लकी क्लो का डैमेज इनसेन है। अरे नहीं, साइड वॉल था जिसकी वजह से थोड़ा सा। एंड अगर यहां पे एक भी हिट कंफर्म मिलती है, यहां पे देखिए बड़ी चतुराई से उन्होंने पहले डक लिया और फिर उनको डक करवाया और फिर एक मिड मूव मारा। और यहां पे लेट्स सी क्या कर पाते हैं, फिर पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। जूसी डैमेज, डाई थ्रो ब्रेक, बढ़िया टाइमिंग था। टैली रोल खा गए गलत टाइम पे, इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर पैरी एंड हिट कंफर्म करेंगे। पूरा प्रेशराइज कर दिया है यहाँ पे पोक से। बहुत ही सुंदर सेटअप, बहुत ही सुंदर सेटअप। लकी क्लो के पोक स्ट्रॉन्ग है, उस चीज का पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं यहाँ पे मिस्टर आरटीजी। टेबल लीड ले लिए और तलंग पे जरूर कुछ चला होगा। नहीं नहीं, काउंटर हिट, काउंटर हिट व्हाइल स्टैंडिंग फ्री एंड तलहा भाई यहां से। किंग हिम बट डाउन फॉरवर्ड वंस रिचार्ज, कुछ सेटअप लेने काउंटर हिट। मुझे पता था कुछ काउंटर हिट सेटअप आने वाला है क्योंकि टेक्निकल टू में काफी भारत राव वर्मा करके एक साया विशाखापट्टनम खिलाड़ी, वो एक की चार्ज वाला स्ट्रैट्स काफी यूज कर देते हैं। एक्चुअली अबेल डेल मास्टर आल्सो यूजेस दिस की चार्ज स्ट्रैट्स। यस, इन दिस स्ट्रैट इज क्वाइट कॉमन बिटवीन एडी प्लेयर्स, अमंग एडी प्लेयर्स। डाउन मशीन इज प्लेइंग वेरी पेशेंटली, ट्राइंग हिज बेस्ट, बट वही बात है कि अशोक इज टोटली बीटिंग हिम विद हिज एक्सपीरियंस। नाइस लॉन्च, टेक डाउन मशीन के लिए डू और डाई की सिचुएशन है यहां पे, करो या मरो, कुछ भी जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन यहां पे बहुत अच्छा, पता था उनको कि टाउन 3 टू स्ट्रिंग आने वाले, पहले से ही डक करके रेडी थे उसको ब्लॉक पनिश करने के लिए, लॉन्च पनिश करने के लिए। और इसी के साथ Mike is actually playing very patiently, but क्या ही कहें, तेजन भाई के सामने बड़े से बड़े धुरंधर भी होते हैं। कन्वर्ट नहीं कर पाए, अब फॉरवर्ड वन प्लस टू पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट। एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि उनको लॉन्चर मिल जाएगा, तो वो रेडी नहीं थे उसको फॉलो अप लेने के लिए, कॉम्बो के लिए हो सकता है। और यहाँ पे इनको पता था लॉन्चर मिलेगा, आइस यहाँ पे down to and yes impressive। आज भैया जी चैन की नींद सोएंगे। very nice movement there by spike, इजन मतलब देख के नहीं लग रहा है कि ये इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टेकन का, पहली बार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, टॉप 8 में है, नया फेस है। नाइस डॉट टू साइड स्टेप, बड़ा वियर्ड सा स्टेज है, वॉल कहीं से भी आ जाता है एक साइड से एकदम ही छोटा। थ्रो ब्रेक इंटरेस्टिंग, अरे ही वाजंट यहां पे, अरे ही वाजंट श्योर, ही वाजंट श्योर, दैट वाज रियली अनफॉर्चूनेट। कमेंट सेक्शन में हम पहली बार देख रहे हैं इनको टूर्नामेंट में इतना, और गेन लॉन्च कर दिया है वॉल पे। ओके डिंग द मोस्ट ऑफ इट, पनिश नहीं मिला वहां पे अगर बैक 1 2 लेते तो गारंटीड था। दिस कैन बी लीथल फॉर हिम बिकॉज़ टेजन इज फेमस फॉर डूइंग इट बैक। और गलत यहां, दैट इज रियली अनोइंग, यू नो दैट इज रियली अनोइंग। द रेन एक्सपीरियंस है, मैच देख के लग रहा है कि इनको असुका से काफी भली भांति है ये। और ये देखिए बहुत ही अच्छा, समथिंग हैपन, एक्सीलेंट प्रेशर ऑन द वॉल, वॉल स्लैट एंड फॉलो अप, स्प्रिंग किक से वेट किया एंड ही न्यू दैट दैट वाज कमिंग। और यहां पे ओ अच्छा स्ट्रेटजी है, कोई निंजा टेक्निक वाज दैट, आई वाज नॉट श्योर। नाइस पनिश, और यहां पे पता था ही न्यू द ग्रैब वाज कमिंग। राउंड डेफिसिट इज नाउ इन फेवर ऑफ टेजन,
अगेन पुशिंग हिम टुवर्ड्स द बॉल बट ब्रेक लेके उनको बॉल की तरफ कर दिया है. पोजीशन चेंज, लेट्स सी कितना यूटिलाइज करते हैं बॉल की पोजीशन को. नाइस, बढ़िया यहां पे टैकल एंड फॉलो अप. फिनिश करेंगे स्प्रिंग किक को. कंडीशन कर दिया है बॉल पे. रियली पेशेंट आई थिंक ही इज आल्सो अवेयर ऑफ द इसको सब पता है अलीसा का पूरा. नाइस डक बट रॉन्ग पनिश आई थिंक. ओके एजेंट का प्रेशराइज करना स्टार्ट हो गया है बढ़िया से थ्रो ब्रेक. लेकिन बहुत ही एकदम जानते बहुत ही अच्छा वहां पे एंड मसल बस्टर ब्रेक नहीं किया है. बहुत ज्यादा डैमेज मिलेगा. क्या कमबैक मारा वहां पे. बाप रे बाप. एजेंट इज नोन फॉर परफॉर्मिंग गुड इन टेंस कंडीशंस. लेट्स सी इफ ही कैन मैनेज टू पुल दिस ऑफ. क्लच साइड वॉक क्लच अगेन थ्रो ब्रेक टू पनिश. Okay, that option crushes that. I didn't know. A sidestep couldn't get any leverage from it. Although, let's see what happens this round. If he can even it or Spike will take it away. Real time आता तो शायद वो dead थे वहाँ पे. Real time वो definitely connect होता. Good punish भी नहीं किया. Timing बदल रहे हैं शायद. और इसी के साथ Buster again. हो चुके हैं इस tournament से. Yeah, excellent performance from Spike. This was really unexpected. Spike. Nice, he fell for the second hit. Gets launched. So, does RTG, is RTG primarily a ball player? Yes, RTG is Sunny Singh from Chandigarh. Okay. Ball player. Long time ball player. Okay. GK Ashish. Nice, checking with him jabs, 1-1-2. Just like poking nice. His opponent throughout the round. And it's just like you see GK Ashish and you're just like expecting him to play stop it almost every time he's in a tournament. I also think that he'll be comfortable with this matchup because raging mode, he practices with raging mode and raging mode also uses a call. Oh, big death fist there. Nice follow up. Nice break on the one throw. Oh, what a punga punga death fist followed by a slide. Brahmastra. Brahmastra. Oh, says you have middle combos. I have a death fist. Oh damn, I thought he would be able to punish the demo man there. Okay, he opts not to punish the death fist. Multiple sidestep force, breaking the throw again. GK and Ash, again. Very sharp. Oh my god, look at that damage. And he hit control. And you're still complaining about and Paul I having. This will be it. Nice option there. Reja is going to take. Here could be the death mein, of GK Ashish. Sink mein bolo. Sorry, my bad, RTG. At a time, ek hi jan bolo. Overlap ho raha hai. Dono ek saath bol raha hai. Nice connect on the shoulder. And that's going to be it. Yes, that will be. You can't break them all. It's online after all. Nice block on the demo. GK Ashish is so sharp at reading all these lows. Like, the entire evening he's been blocking them lows multiple times and here we go and Onga Bunga parry and that's gonna probably be it with the rage art. Oh, this is the follow up but the low's gonna take it anyway. Trying to fight back. Poking, chipping away and big whiff on the down forward to GK Ashish. He's gonna take full advantage of it. That was an excellent back three to confirm. Definitely was and a demo man. Lost a dead fist. He did a pocket and a down jab. GK Ashish is really trying to get into RTG's head here. Even though he's up two rounds on the board, he's still playing so patiently. Okay, it breaks the hand. Pressure, nice punish. Was that a punish or did he just catch pressing it. Buttons? No. That was a hit confirm. Okay. He's, you have to hit confirm at all costs. Otherwise, plays like Paul can parry your second hit. Death fist. That can really be deadly. Oh, what a whiff punish. I think Sunny is trying to take with an offensive approach this time. He's playing really offensive this time. Oh, what a beautiful whiff punish. Side step into... Okay, deadly rave. Okay, what kind of a weird... What did he fly there? I don't know what happened there. Big damage on the wall.
बहुत ही सुंदर लो पैरी Okay, is that gonna connect? No dice. Back 3-2 lag jayega yahan pe. This time. Wall milega yahan pe, wall guaranteed hai. Mil jayega. I was pretty sure that Sunny was about to advance at that time and he punished him. Aur tournament match point hai yahan pe GK Asis ke liye. Progress ka walk kar diya hai. Still has 2 bars on the board. अगर एक मीटर पड़ गया बहुत घायल हो सकते हैं आरटीजी से। अरे डेथ फिश मिस कर गया यहां पे। यूज़ अप इन मैक्स मोड। डेथ फिश आता तो जगमगा जाता है। ये पूरी पूरी मित्रता दिखाते हैं बट डेथ फिश से एकदम चाहत नहीं है। ओ बिग क्यूसी एवरी वन। प्रेशर है। मल्टीपल ड्रॉप्स ओवर देयर आरटीजी। नर्वस गेटिंग ऑन। नर्वस है। अरे दोनों नर्वस है, दोनों खिलाड़ी। भाई नर्वस नहीं लैग है, नर्वस वर्वस क्या है और बैक 3-2 कनेक्ट हो गया है। ओके किंग व्हिच वी ऑल डिड नॉट एक्सपेक्ट टू प्रोग्रेस दिस फार बट इट्स ऑलवेज नाइस टू सी ब्राइट न्यू टैलेंट कम आउट ऑफ द बोर्ड हियर। बिग हॉप किक अशोक स्टिकिंग टू ऑप्टिमम जगह। बाप रे मार दिया यहां पे। अशोक भी सरप्राइज होंगे लूजर भाई साहब की हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पे एकदम रेज डाइव लो मेड है, सारा रेज डाइव में भर भर के दिया है आराधा सान ने इसको। नाइस डार्क एंड पनिश विद द वॉल स्टैंडिंग 3। ओह माय गॉड। ओके इंटरेस्टिंग चॉइस, ट्राइज टू जंप ओवर द लो बट गेट्स हिट बाय द सेकंड हिट ऑफ द हेल स्वीप। Already was against stage and I guess this is what happens when you don't lab a new character. एकदम पनिश नहीं कर रहा है कोई भी हॉप किक को, पता नहीं क्यों। अरे बाप रे। अरे ओ मिसेस द पेज राइट। बड़ा जी बियर्ड सा हार्ड बॉक्स है यार फकुम राम का, पूरा बगी है कैरेक्टर ये। प्लस इसका हार्ड बॉक्स भाई, हार्ड बॉक्स चेंज करो। फीमेल कैरेक्टर है कि मेल कैरेक्टर है कि जायंट है पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा थोड़ी होता है। चलिए कोई बात नहीं। ओ क्या जगल मिला है और पूरा रेज ड्राइव से। बाप रे। ओ माय गॉड व्हाट अ लो पैरी। नाइस कन्वर्जन। क्लिप करना पड़ेगा, क्लिप कर लिए है। वेल प्लेड देयर बाय स्पाइक। यहाँ पे फिर से कमबैक देखने को मिलेगा। तेजन के अगेंस्ट भी वो काफी पीछे थे, पहला मैच भी हार गए थे और उसके बाद दूसरे मैच में दो राउंड से पीछे थे, लेकिन वहां से बहुत सुंदर कमबैक किया स्पाइक ने और तेजन को एलिमिनेट किया। क्या यहाँ पे भी क्या वो अडेप्ट कर चुके हैं मैचेस को और क्या वो कमबैक करने को मिलेगा देखने के लिए। इज डाउन बैक फॉर लॉन्च पनिशेबल बाय फकुम राम। यस हर कैरेक्टर कर सकता है। डाउन बैक 3, दैट्स एक्चुअली डाउन बैक 3 नॉट डाउन बैक 4। Oh my god, अरे बापरा थ्रो ले लिया है, ब्रेक तो होगा नहीं। Do you want a twister? अरे क्या? Oh my goodness, what an amazing setup! फिर से क्लिप कर लिया है हमने। My god, dude, this guy is here to play. उस रेंज से पनिश नहीं। क्या ग्रास्पिंग पावर है इस आदमी का? ओह थोड़ा सा वीव दे दिया और ये वॉल ले जाएगा और इसका डैमेज जो है इनसेन है, पूरा खत्म कर देता है। ऑलमोस्ट टकुमा लेवल डैमेज है भाई, उससे भी ज्यादा है। बाप रे कितना है ये डैमेज, नर्फ करो यार। अकुमा तो मीटर के थ्रू ले जाता है, इसको तो मीटर भी जरूरत नहीं है। देखिए मैच पॉइंट अशोक यहाँ पे और यहाँ पे एटलस हैमर। हंस वुड बी सो प्राउड स्टार्टिंग द गेम विद द एटलस हैमर। हंस भाई इतना खुशी में अब होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके ऑप्टिमल कॉम्बो। ओके एली किक्स
somehow the running three whiffs. I don't know what happened there. Hop kick कहाँ से आया पता भी नहीं चला. Wall लेकिन थोड़ा just shy of the wall. Punish नहीं किया. Hell sweep को block किया लेकिन punish नहीं किया. Okay इधर पड़ेगा ये setup. Oh and the low poke spike. एली की कैंड करते हुए फिर से क्या यहाँ पे कमबैक करते हैं को देखने को मिलेगा. You guys thought it was over. हो सकता है nice duck but loser बहुत ही अच्छा throw break कर रहे हैं. Multiple jabs and the wall standing two interesting choice. I like how spike is able to get that wall carry off of that inconvenient move. Okay and a big wall standing three no conversion. Nice block. And the down forward one. Take it loser progressing to the grand finals. And unfortunately grand for Spike. Kar gaye hai, loser who you got your money on? Okay, no whiff punish with the nice option. That was a nice option. Ashok just being so dominant. Maybe this armor kick pick is working out with him or not. We'll find out in a few minutes. Okay, aerial Rabukin. What an anti-air option. Okay, back dashes, multiple back dashes. Both of these guys respecting each other this time. And talk about respect. Here comes a big launcher for your troubles. A lot of dice over there, but mixing the mix up. And what just happened there? Ashok dropping his guard. I'm not sure. Okay. Floats him out. He's still in the game. Right, Rachel, anything could happen. And a wall standing nice four to take it. GK Ashish. Nice follow up with the running one. Another one. Can we do another one? Oh, okay. Big block. Saw that from a mile away. That now a low was coming after the two running. क्या डैमेज यार ऐसा थोड़ी होता है इतना डैमेज कौन सा कैरेक्टर लेके जाता है बिना मीटर के मल है भी लाइक ज़फीना को इतना डैमेज क्यों नहीं है he was very well aware that running was he playing 2D tech in here he got anti airs playing these in a tech way finally we saw the infamous unbreakable cap the first one we've seen from Ashok all evening. Okay, nice break. Whoa, using the max mode just before it runs out. Nice. What a punish with the 1 plus 2. Okay, running 3 all the way to the face. That was a trade in favor of Ashok. And he has taken a 2 round lead in our second match. Let's see if we can maintain it. Or, nice back. Now most of you guys complained from hand back damage. Look at this. It's not over yet. Okay, hello mixup. Okay. Nice follow up with the running one. Jabbing him out again and again. These guys looks like these guys play each other multiple times. I don't think so. Ashok plays ranked, only ranked. No, yeah, Ashok plays with me as well look, a lot. Look like at that. He's Tekken God Prime. He's true Tekken God. Okay. The round even in this match, Ashish manages to make a comeback again. Let's see if he can close it out and take the lead in the set. Okay, big launcher here, GK Ashish. This is what he's been doing all evening. He's been taking the first through rounds. भाई ये क्या हो गया है? Confirm. Ashish close it out once and for all. ये जगह यहाँ connect हुआ Ashish का भाई और यहाँ पे ही उसने जो switch किया side switch ये तो भाई ninja technique. Back turn setup. Mm-hmm. Okay, so we can see in the replay that. Okay, loser भाई को यहाँ पे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा नहीं तो खेला खत्म है उनका. और आज का स्ट्रीम भी वैसे हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी खत्म हो जाए तो हम खाना वाना बना के खा पी के सोए. सही में सकते हैं यहाँ पे मले रूट कर रहे हैं आशीष भाई के लिए पार्शियलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे आने के चक्कर में. लोग भाई जल्दी नहीं मानेंगे बाज नहीं आएंगे रीसेट ये जरूर फाइनल मैच तक लेके जाएंगे. मले कैन यू चेक व्हाई माय टीम व्यू इज सो लैगिंग सो मच. कैन यू प्लीज चेक व्हाई इज इट सो फास्ट फॉर मी. पावर सोर्स कनेक्टेड है ना तेरे लैपटॉप का? हां आई एम नॉट श्योर.
ओके आशीष जी के मेकिंग अ कमबैक अगेन, क्या फिर से पिछले मैच जैसा कमबैक करेंगे आशीष जी के? क्या मलय भाई को टाइम पे खाना खाने को मिलेगा? चेक कर रही है माइक ब्लॉक बट आइस न्यू इवन हिट कंफर्म ओवर देयर टोटली कमिटिंग टू द बैक 3 टू बिग डैमेज ऑन आशीष क्लियरली नोइंग व्हाट ही इज डूइंग हियर जस्ट रिपीटिंग व्हाट ही इज बीन डूइंग ऑल इवनिंग फॉर वॉल बाउंस और बाप रे डैमेज Nice duck and punish. Oh Lord. My god. Okay. Ashok might be fishing for the raid drive. It might yeah. Come any oh, day. Oh, what a Did conversion. लेकिन मैं ज्यादा डैमेज नहीं मिलेगा ये रेज ड्राइव स्केल नहीं करता उतना बिकॉज इट वाज मिड एयर एक्चुअली ये पनिश था क्या नो आई डोंट थिंक दैट वाज अ पनिश दैट्स अ सेफ मूव प्लस 4 जहां तक मुझे याद है सेफ है सेफ है सेफ है सेफ है देयर कम्स द अनलॉकेबल ग्रैब और अशोक को भी लगता है कि उनको जीतने के लिए ये निंजा तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी और बहुत ही बढ़िया पनिश यहां पे इट बट ही गेट्स फ्लोटेड और ओके नाइस कन्वर्जन और टूर्नामेंट पॉइंट है जी के आशीष के लिए देवी और सजनों जल्दी से खत्म हो जाए यार खाना बनाना और यहाँ पे पूरे पूरे कामना करते हुए मतलब भाई जल्दी जल्दी खत्म हो जाए 12 विद व्यूअर्स मैं तो पार्शियलिटी दिखाऊंगा जी कैसे जीत जाए यार भाई मलय भाई का डेस्परेशन तुमको क्या जानो देव बाबू जब भूख लगता है तो मर जाए जी 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 भाई को जल्दी खाना खाने को मिलेगा दिस वॉज एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज पार्ट ही रियली टिप्स बाय लूजर दो तो जी के आशीष कल सेकंड आए आज फर्स्ट आए पूरा टूर्नामेंट यही लेके जा रहे हैं खाली एकदम गर्दा मचा दिया एकदम भौकाल एकदम टोटल